ये मैडम जी की पाटाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाटाला, अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाटाला, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजर कहीं पे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाटाला। ये मैडम जी की पाटाला, ये मैडम जी की पाटाला। लेकिन फिलहाल हम अपने बेटे का हाथ तुम्हारी बेटी के हाथ में नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम बहुत कमीन आदमी हो। अरे अरे, तुम्हारी औकात ही क्या है? फटीचर बाप के फटीचर बेटे के साथ हम हमारी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। अरे जाओ 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 जाओ, सारे चाय पीने की औकात नहीं है, बड़े शादी करने वाले। जाओ 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 जाओ। आपसे एक छोटी सी विनती है। नहीं, करिए हुकुम करिए। जो हमारे बाराती आने वाले हैं ना, उनका स्वागत जरा धूमधाम से कीजिएगा। जो बाराती आपके आएंगे ना, हम सभी बारातियों का स्वागत लात बाहर से करेंगे, पान बाहर से करेंगे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो सरपंच जी, इस गांव में अगर वो लड़का और लड़की हमको मिल गए ना, तो उनके साथ साथ तुमको भी उठा कर ले जाएंगे। चुप! एक बार ध्यान से सुनो तो, चमेली जी को छूने से पहले तुमको दबंग पांडे नाम की ऊंची दीवार से टकराना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ। ऊंची दीवार? अरे 3 फुट की दीवार, ये तो हम यूं ही लांग जाएंगे। तुम बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुमको यहीं पर ढेर कर दूंगा। मैं लगता है सरपंचाइनी से तुम्हारा तगड़ा याराना है। बदतमीज! लगता नहीं है, मेरा इनके साथ बहुत तगड़ा याराना है। और मेरी इनके साथ शादी होने वाली है, कोई शक? देखा, भगा दिया, बड़ा अटैक। अरे क्या हुआ तकिए को? ये नहीं भाई, फिर ये जो हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ है दबा। अरे जो क्या हुआ जो अच्छा नहीं हुआ है? सरपंचाइन जी ने ये झूठ बोल के अच्छा नहीं किया है। क्यों, क्या हुआ? अरे उससे झूठ बोल के ठीक नहीं किया उन्होंने। अगर ये गलती से दोनों अगर हमारे गांव में मिल गए हैं, तो झूठे तो हम साबित हो जाएंगे। अरे का इज्जत रह जाएगी ससुर हमारे गाँव की? ठाकुर साहब, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं। फिलहाल अभी हमको उन दोनों प्यार करने वालों के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने सीने पे हाथ रखकर सोचो, अगर उन दोनों की जगह आप और जूलियट मैडम होते। कैसा लगता, कैसा लगता? वो सब बाद में सोचेंगे, पहले जूलियट मैडम को ससुर हमारे साथ भागने तो दो। जूलियट मैडम के अलावा आप और कुछ सोच सकते हो क्या? और हम कुछ सोचना भी नहीं चाहते था। अरे यार, जूलियट मैडम के बारे में ना सोचे तो क्या तुम्हारे बारे में सोचे? ठाकुर साहब, मैं कब कह रहा हूँ कि हमारे बारे में सोचो, मैं तो कह रहा हूँ कि उन दोनों प्यार करने वालों के बारे में सोचो। ठाकुर साहब, आपको एक बात बताऊँ मैं? हैं? अरे जो भी आदमी दो प्यार करने वालों को मिलाता है, उनकी मदद करता है, भगवान उसे उसकी मोहब्बत दिलाता है। ना देखो भगवान, अगर ये कह रहा है उस सच है ना, तो हम उन दोनों को जरूर मिलवा कर रहूंगा। उन दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये ठाकुर सज्जन सिंह का शब्द है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि अगर हमने मुन्नी और बबलू को मिला दिया, तो क्या जूलियट मैडम हमें मिल जाएगी? अरे चौधरी साहब, 100% 100%। चौधरी साहब, अरे यही तो नियति होती है। जब दो प्यार करने वाले दिलों को जो कोई मिलवाता है, अरे तो ईश्वर भी उसके प्यार को दिलवाता है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। क्या? कि जो ठाकुर सज्जन सिंह है, ये भी लड़का और लड़की को मिलाने में लगा हुआ है। मतलब जूलियट मैडम उसे भी मिल जाएगी, तो क्या हमें जूलियट मैडम को शेयर करना पड़ेगा? और ससुरा जूलियट मैडम कोई मंदिर का प्रसाद है क्या,
जो ठाकुर को भी मिल जाएगी और हमें भी मिल जाएगी। अरे चौधरी साहब, अरे आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। चौधरी साहब, आप जूलियट मैडम को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। करते हैं ना? अरे हाँ, तो जूलियट मैडम फिर आपको मिलेंगी। अरे ठाकुर का जो प्यार है ना, वो सिर्फ दिखावा है, दिखावा। तो फिर एक बात तय रही, मुन्नी और बबलू की शादी तो होकर ही रहेगी। अरे चाचा कैसे? बस राम राम। मैं अच्छा हूँ। और पंडित जी आप कैसे हैं? अरे राम राम चाचा, राम राम। और आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची बहुत दुखी है। अरे ये सब छोड़ो चाचा, मुद्दे पर आओ। वो सरपंच जी है ना, उन्होंने पंचायत रखी है, इसलिए उन्होंने आज सबको बुलाया है। चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो। भाइयों और बहनों, इनके भाइयों, हमने ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि मुन्नी और बबलू को हमने अपने गांव में रखा है, तो इनकी रक्षा करना और इनकी शादी कराना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों जे? हाँ सरपंच जी, इस लड़का और लड़की की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ठीक है चौधरिया, लेकिन बात यह है कि लड़की का जो बाप है ना, गांव में पहुंच गया है। अगर उसने इन दोनों को यहाँ देख लिया तो गांव की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो हम ये सोचते हैं कि इन दोनों को ऐसी जगह छुपा दें कि जहाँ घमंडी सिंह इनको देख ना पाए। लेकिन हमरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम इनको ऐसी कौन सी जगह छुपाएं कि ये ससुर दोनों वहाँ साफ हो जाएं। साफ हो जाएं? क्या बात कर रहे हो, अंग्रेजी ठीक से बोलो। नहीं नहीं, मतलब साफ मतलब सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए। हाँ, सेफ हो जाए, ऐसे बोला करो। सेफ सेफ सेफ। अरे भैया, वो है तो हमको समझ नहीं आ रहा, तभी तो पंचायत बुलाई है। तुम सब लोग भी सोचो कि कहाँ रखें इनको। हाँ मैडम की पाठशाला। अरे मैडम की पाठशाला ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। तो आप लोग चाहते हैं कि ये दोनों मेरे साथ रहे? जी मैडम। देखिए मैडम, क्या है ना कि ये दोनों ऐसे, मतलब ये दोनों जो हैं वो प्यार करने वाले लोग हैं। आप भी इनकी मदद कर दीजिए ना, क्योंकि क्या है ना, हम भी इनकी मदद कर रहे हैं। ओ ससुरे ठाकुर, अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो, मदद तो हम भी कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप सब लोग दो प्यार करने वालों की मदद कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा मैडम, दो प्रेमियों को हम मिलवाते हैं तो क्या हमें हमारा प्यार मिल जाता है? हाँ हाँ ठाकुर साहब, ये बहुत अच्छा काम है। मैडम, अगर ठाकुर सज्जन सिंह और मैं दोनों मिलकर तो प्यार करने वालों को मिला रहे हैं, तो क्या हम दोनों को अपना प्यार मिल जाएगा? Yes, of course. अरे नहीं नहीं मैडम, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब इस ठाकुर बा के साथ बांट कर हम एक रोटी नहीं खा सकते तो प्यार का खाक बांटेंगे हम? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है कि हम तुम्हारे साथ बांट के रोटी खाएंगे ससुर? देखो हम तुम्हारे खाए थाली में हाथ भी धोना पसंद नहीं करेंगे। जहां तक हमें प्यार बांटने की बात है, हम अपने प्यार में से चवन्नी भी तुमको नहीं देंगे। चवन्नी तो तुम्हें तब मिलेगी ना जब तुम्हें अपना प्यार मिलेगा ससुरे। शांत हो जाइए, आप लोग एक ऐसी चीज के लिए झगड़ रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। अरे मैडम, ये दोनों को जैसे मौका मिलता ना ये शुरू हो जाते हैं। सरपंच जी सुनो सुनो चौधरी ठाकुरवा, हमारी बात दोनों सुनो। तुम दोनों के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ही लड़का लड़की के बारे में तो सोच ले। मैडम हमको बहुत घबराहट हो रही है, वो घमंडी सिंह हमको धमकी देकर गया है कि पूरे गांव की तलाशी लेगा वो। हाँ आप घबराइए मत चमेली देवी, अब मैं भी इन दोनों के साथ हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और वाह,
कुछ भी कहो भाई चौधरी, भाई उत्साह बढ़ गया। हाँ पंडित बाबा सही कह रहे हो एकदम। इस गांव के चौधरी आप ही हैं का? भाई तुम्हारी आंखें हैं या बटन? 6.5 फुट का आदमी, चौड़ी छाती वाला, छल्लेदार रुबाबदार मूछ वाला आदमी को तुम पहचान नहीं पाते? अरे ऐसे शेर जैसे व्यक्तित्व वाले आदमी हमारे चौधरी साहब ही तो है ना। अरे कोई झाड़ू लगाने वाले तो है नहीं, क्यों चौधरी साहब? क्या बोले? अरे हमारा मतलब हम इनको समझा रहे थे। तुम कौन हो भाई? हम घमंडी हैं। किस बात का घमंड है तुम्हें भाई? अरे हमारा नाम है घमंडी सिंह। अरे भाई दुनिया में क्या नामों का अकाल पड़ गया था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना घटिया नाम चुना? देखिए हम यहाँ कोई बहस करने नहीं आए हैं। क्या तो फिर किस लिए आए हो? ताश खेलने आए हो? नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। क्यों भाई क्यों? आइए दरोगा जी बताइए इन्हें। मिस्टर चौधरी साहब, इन्होंने पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाई है कि इनकी बेटी को इसी गांव में छुपा रखा है। हमारे पास सर्च वारंट है, इस सिलसिले में हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है। ओ इतनी सी बात है, कब से बकर बकर किए जा रहे हो? लो तलाशी। चलिए दरोगा साहब तलाशी लीजिए। जाओ हवलदार तलाशी लो। जाओ ले लो जाते। क्यों भाई कुछ मिला? पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला भाई, हो गई शांति। अब जय राम जी की। चलिए दरोगा जी। हाँ चलो। किस लिए आए हो? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी का टॉर्च वारंट है तुम्हारे पास? टॉर्च वारंट नहीं होता है, सर्च वारंट होता है। सर्च वारंट? सर्च वारंट है तुम्हारे पास? ये लीजिए, ये रहे सर्च वारंट। ये तो हमारी बिटिया की है। ये दुपट्टा तुम्हारे पास कैसे आया? ये अरे ये दुपट्टे नहीं है, ये तो हमारा ये वो पगड़ी है हमारा। दुपट्टा कर रहे हो तुम? पगड़ी है, पगड़ी। और का? अरे ठाकुर हो के औरतों के दुपट्टा का पगड़ी बांधते हो? हम भी ठाकुर हैं, हमने तो आज तक ऐसा रंगीन पगड़ी नहीं बांधे हैं। हम जानते हैं यह हमारी बेटी मुन्नी का दुपट्टा है। ऐसा दुपट्टा दुनिया में क्या तुम्हारी बेटी के पास अकेला है और कहीं नहीं है? सीधी तरीके से बता दीजिए ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब यहाँ कुछ नहीं मिला आपको, अब आप जाइए यहाँ से। जा रहे हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है प्यार का इजहार। प्यार का इजहार? अरे ये तो बहुत ही अच्छा विषय है मैडम। विषय का इंतजार तो हम कब से कर रहे हैं मैडम। मैडम देखिए, इस विषय में जो है वो हमको अधिक बोलना है। लेकिन मैडम आप है कि इस विषय के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है। अरे अगर आप लोग मुझे बोलने देंगे तो मैं इस विषय पे बात करूंगी ना। अरे नहीं नहीं चुप। बोलिए बोलिए मैडम, खुल के बोलिए। तो आज का हमारा पॉइंट है हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। मेरा मतलब है किसी लड़की से कैसे प्यार का इजहार करते। आप लोग में से किसी ने किसी लड़की से प्यार का इजहार किया? ठाकुर साहब आपने किसी लड़की को प्रपोज किया? अरे मैडम अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन कोशिश में तो लगे हुए हैं कब से। ओके चौधरी साहब आप? बस मैडम हम इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं, बहुत जल्द प्यार का इजहार हो ही जाएगा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गजब हो गया, गजब हो गया। मुन्नी के पिताजी लठातों को लेकर पूरे गांव में दोनों लड़का लड़की को ढूंढ रहे हैं। अरे चौधरी यहाँ लड़का लड़की
लड़के को सुरक्षित स्थान पर तो रखा है ना। अरे सरपंच जी आप चिंता मत कीजिए, बबलू और मुन्नी बहुत सुरक्षित स्थान पर है, उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। अरे कहाँ है, कहाँ है ससुर घमंड? अरे, अरे हमको मिल जाए उसका घमंड, हम यही चूर चूर करके रख देंगे ससुरा। अरे ससुरे को खटिया पर लेटाकर सीधा चंदनपुर ले जाएंगे हम। हाँ वो अपने फिजूल टाइप का दिमाग आप लोग मत चलाइए। हम तो कहते हैं जितना जल्दी हो सके ना लड़का लड़की की शादी करा देते हैं। एक बार शादी हो गई तो वो कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हाँ भाई आप जो है वर वधू अपने हाथ में अक्षत और फूल ले लें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायनं तनोहरि। ये पान और जो है सुपारी कहाँ है? वो लड़की वालों का काम भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो तुम क्या यहाँ नवाबी दिखाने आए हो? जल्दी से ढूंढ कर दे दो ना पान और सुपारी। अरे दबंग, अरे वहाँ से पान सुपारी लाई है। अरे मंदिर में है। विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। लाओ लाओ लाओ। ये लो ये लो ये लो ये लो बेटा। हाँ लड़की के हाथ पे 551 रखो और लड़के के हाथ पे 1051 रखो। अरे ये क्या बात हुई पंडित वाह, कि लड़की के हाथ में 551 रुपया और लड़के के हाथ में 1051 रुपया, दोनों में हाथ में बराबर होना चाहिए ना। हाँ। अरे चौधरी साहब लड़की वाले गरीब होते हैं इसलिए इसमें जो कुछ भी खर्च होता है लड़की वाले लड़के वालों से आधा देते हैं। हाँ। समझे मार निकाल के। हमको गरीब समझे हो? हम लड़की के हाथ पे 551 रुपया रखते हैं। ये हुई ठाकुर वाली बात। हाँ। तो हम 10,051 रुपया रखते हैं। हाँ ठीक है रखो। ये हुई चौधरियों वाली बात। 20,051 रुपया रखते हैं। एक मिनट। अरे चौधरिया तू भी 1,00,000 धर देना लड़के के हाथ में, दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, दोनों खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। क्यों जे? आजे। इलो, ये तो हो गया वेरी गुड। अरे सरपंच, अरे लड़की लड़के का गठबंधन करो ना, जल्दी करो भाई। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायनं तनोहरि। ओम दुर्गे माता हर देवी तेमसेष जन्तो स्वस्ते स्मकामति मसीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख है भय हारिण का तदन्या सर्वो पुकार करुणाय सदा सचित्ता। तो अब हाँ लड़का जो है वो लड़की को मंगल सूत्र पहनाएगा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और बेटा ये जो सिंदूर है ये बिटिया के जो है मांग में लगाओ। और भाई इस तरह शादी संपन्न हुई और ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं। ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या हरकत है? हम कोई लतीफा सुना रहे हैं? अरे कमंडी सिंह, ये लतीफा नहीं तो और का है। लड़का लड़की की तो शादी हो गई, तुम कहते हो शादी नहीं हो सकती तो लतीफा ही है ना क्या? ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों को गोली मार देंगे। अरे!
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खून खराबे से क्या हासिल होगा? हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमारी लड़की और लड़का हमको दे दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। हाँ और ऐसे कैसे करते हैं यार? आपकी लड़की अब आपकी नहीं रही, पराई हो चुकी है मिस्टर घमंडी सिंह। अरे कैसे पराई हो गई है? हम उसके बाप हैं, हम तय करेंगे कि इसकी शादी किसके साथ करनी है। किसी की जिंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। अरे हमने उसको पैदा किया है, उसको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन वो आपकी औलाद है, कोई गाय बकरी नहीं जिसे आप खूंटे से बांध देंगे। अरे इसने जो गैर बिरादरी के लड़के के साथ मुंह काला किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत सोच रहे हैं आप। आपकी बेटी ने मुंह काला नहीं किया है, आपकी बेटी ने प्यार किया है, और ये लड़का भी तो लड़की से प्यार करता है। लेकिन ये हमारी जाति का नहीं है। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और आप जात बिरादरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। अरे आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि भगवान ऊपर से सिर्फ इंसान को भेजता है, ये जात बिरादरी हम बनाते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आपको किसी गैर लड़की के साथ प्यार होता और आपके माँ बाप आपके विरुद्ध होते तो आपको दुख नहीं होता? मैडम जी, आपने हमारे पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। हम भी किसी से प्यार करते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी शादी दूसरी जगह करा दी। उधर वो लड़की कुएं में कूद कर जान दे दी। तो आप भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी कुएं में जाकर कूद जाए? नहीं मैडम जी, हमारी बुद्धि पर जो पत्थर पड़ गया था उसे आपने हटा दिया। अब हम अपनी बेटी की जिंदगी खुशी पूर्वक जीते देखना चाहते हैं, और जो ये लड़का है वो भी हमारे बेटे जैसा ही है। इन दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी। और घमंडी जी, इसके साथ साथ आप ये बात उन लोगों को भी बताइए जो जात बिरादरी के नाम पर मासूम लड़के लड़कियों की जान लेने की सोचते हैं। अरे तुम दोनों ऐसा मुंह उठाकर कहाँ खड़े हो? जाकर आशीर्वाद लो पिताजी से। जाओ जाओ साहब, आशीर्वाद लो साहब।